अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं जी ज़रीना सलमान और आज मैं मौजूद हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन में और मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को भी डिपार्टमेंट की सैर कराऊँ। पूरा तो नहीं दिखा सकती क्योंकि लोग बैठे हुए होते हैं तो अच्छा नहीं लगता उनके सामने शूट करना। खैर, कभी करेंगे लोगों के सामने शूट जब इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा आपको विज़िट कराऊँ अपनी जामिया कराची का डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो चलते हैं, विज़िट करते हैं। अच्छा, ये हम जा रहे हैं डिपार्टमेंट का विज़िट करने के लिए। इधर थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि टाइम हो रहा है थोड़ा शाम का। और ये ऊपर है हमारे पास छत है या फ्लोर है पता नहीं, हम ऊपर जाएंगे नहीं क्योंकि मैं अभी अकेली हूँ। और ये हम घूम रहे हैं डिपार्टमेंट में ही, और घूमते घूमते मुझे गाना याद आ रहा है, वो जो है चलते चलते थक जाए रास्ते। अच्छा, अब हम घूम रहे हैं, पूरा देख रहे हैं ये क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, नो एंट्री विदाउट। अच्छा, मास्क के बगैर अभी भी कभी कहीं ना जाएं, भले कोरोना चला गया कि नहीं। मेरे पास भी मास्क मौजूद है और वो है बैग में क्योंकि अभी इतने लोग नहीं हैं, पर मैं अकेली हूँ। ये है सरवर नसीम हॉल, ठीक है बंदा ये, और ये है कोई ऑफिस, जैसे नीचे ऑफिस है, नीचे का मैं आपको विज़िट नहीं करा रही, ठीक है। और ये हम घूम रहे हैं, यहाँ से हम नीचे भी कूद सकते हैं, मुझे डर लगता है ऐसी जगहों से बहुत ज़्यादा। और ये हम घूम रहे हैं हेलो वैसे मैं डरपोक बहुत हूँ, तो अभी मैं अकेले ही घूम रही हूँ, तो अभी मैं नीचे जाने वाली हूँ। ये मैं आपको ये व्यू दिखाती हूँ, ये बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है। और थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्या नज़र आता है। तो यहाँ से हमें पूरा बाहर के सामने वाले डिपार्टमेंट सब कुछ नज़र आता है, थोड़ी मिट्टी विट्टी हो रही है, ठीक है। तो अच्छा, अब हम जाएंगे आगे, ठीक है। फोकस मुझसे हो नहीं पा रहा, ये हम घूम रहे हैं, ठीक है, पूरे डिपार्टमेंट। और ये फिर मैं घूमते घूमते वहीं आ गई, वहीं से रास्ता आ गया। इधर भी अंदर क्लासेस मौजूद हैं और मैं इतना अंदर जाऊंगी नहीं क्योंकि अंदर मेरे ख्याल से क्लासेस नहीं हो रही, तो सेफ़ नहीं है जाना। ये वॉशरूम है, वॉशरूम में भी यूनिवर्सिटीज़ के वॉशरूम में मैं प्रेफर नहीं करती जाना, ख़ास तौर पे अकेले। और वही ये रही सीढ़ियाँ जो यहाँ से भी आती हैं, एक ही रास्ते से उतारती हैं। यहाँ पर गर्ल्स वॉशरूम है, इधर मेंशन हुआ हुआ है फीमेल वॉशरूम, और यहाँ से भी ऊपर जाती हैं, यहाँ से नीचे जाती हैं। और गलत था और मैं बहुत बुरी तरह भागी हूँ, आप लोग देख सकते हैं उधर चूहे मौजूद हैं और चूहों से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। चूहे देख रहे हैं आप लोग, बिल्ली हैं शायद, बिल्लियों के बच्चे हैं, और मुझे भूतों से तो बहुत डर लगता है अल्लाह, मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। और ये यहाँ से नीचे का व्यू आप देखें, ठीक है, मुझे अभी तक डर लग रहा है डरपोक हूँ मैं ज़रा सी। अब यहाँ से हम थोड़ा सा देखते हैं, ये है नीचे का व्यू हमारा, ये देखें, ये बाहर डिपार्टमेंट के बाहर का है। अब हम नीचे उतरते हैं क्योंकि ऊपर मुझे बहुत डर लग रहा है इस वजह से। तो ये हम उतरे हैं सीढ़ियाँ, टिंग निंग 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 निंग। ये सामने कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ जंगल जंगल सा लग रहा है, ठीक है। अब मैं उतर रही हूँ नीचे और मैं बंद कर रही हूँ कैमरा। अच्छा जी, मैं अब आ चुकी हूँ नीचे, और नीचे भी सेम ऊपर की तरह ही बना हुआ है, और मैं अब कर रही हूँ नीचे का शूट, और ये भी ऊपर की तरह ही बना हुआ है। आप लोग को लग रहा होगा मैं ऊपर ही हूँ, बट ये मैं ऊपर नहीं हूँ, नीचे हूँ। ये देखें, शायद अफरीदी लाला भाई, और ये कोई बैठा हुआ है, अच्छी बात नहीं है किसी को इतना फोकस करना। और ये डिपार्टमेंट के बाहर का रास्ता है, मैं बंद कर रही हूँ वीडियो। अच्छा जी, अजान हो रही है, इस वजह से हमने दुपट्टा पहना है। और ये है बॉयज़ का नमाज़ एरिया, जो कि हमारे एक भाई पढ़ भी रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, अल्लाह हमें भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक फरमाए और आपको भी। और ये है गर्ल्स का नमाज़ एरिया, ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आगे से दिखा देती हूँ, ठीक है, फोकस हो जाओ भाई। नो एंट्री विदाउट मास्क लिखा हुआ है, ठीक है, यह है गर्ल्स के लिए। और ये ऊपर जैसे ऑफिसेज बने हुए हैं टीचर्स के डिपार्टमेंट के, ये वहाँ वैसे ऑफिसेज बने हुए हैं, सेम ये ऊपर जैसा ही है तकरीबन। और ये हो गया बाहर का रास्ता, ठीक है, और अब हम बाहर नहीं जाएंगे, बाहर लोग बैठे हुए होते हैं, इतना अच्छा नहीं लगता कि सबके सामने वीडियोज़ बनाओ,
लेकिन फिर हम थोड़ा सा चले जाते हैं क्योंकि बैठा हुआ इतना कोई नज़र आ नहीं रहा। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इनको हम ले नहीं सकते, सबकी प्राइवेसी मैटर करती हैं, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है। अच्छा, मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बाहर से भी दिखा दूँ डिपार्टमेंट, और ये हम आ गए डिपार्टमेंट के बाहर। मैं आपको फ्रंट से दिखाऊंगी बिल्कुल। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत बना हुआ है हमारा डिपार्टमेंट मास कॉम का। और मैंने सोचा मैं आपको फ्रंट से दिखाऊं, तो ये देखें, ठीक है, ये है हमारा मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट, ये सारा बाहर से, और देख सकते हैं आप लोग। और वहाँ पर है दूर जाकर एक कैंटीन जिसके लिए आपको जंगलों से निकलना पड़ता है। अभी भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा और दूर जाऊँ आपको डिपार्टमेंट, ताकि पूरी तरह से नज़र आए। और यहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं जिनसे मुझे डर लगता है, और ये कैमरे में मेरा ही साया आ रहा है जिससे मैं डर रही हूँ। अच्छा, बच्चों की हो रही हैं क्लासेस, और मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ, ठीक है, और हम यहाँ से देखेंगे डिपार्टमेंट को। तो आप यहाँ से देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, और ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, और भी इससे बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, बहुत अच्छे हैं वो भी, खूबसूरत से। तो ये देखें, अब हम यहाँ से देखते हुए आते हैं डिपार्टमेंट को। और अगर तो मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं कम एक्टिव होती हूँ चैनल पर बहुत ज़्यादा ड्यू टू सम मसरूफियात, तो इस वजह से मैं वीडियो ज़्यादा पोस्ट नहीं कर पा रही होती। तो लाइक कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कौन से डिपार्टमेंट की वीडियोस बनाऊं फर्दर। और ये रहे कोने से, तो डिपार्टमेंट का मेरे ख्याल से चप्पा चप्पा मैंने आप लोगों को दिखा दिया। खैर, अंदर से क्लासेस नहीं दिखाई क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी क्लासेस के अंदर, ऑफिसेस नहीं दिखाए, तो वो तो ज़रूरत भी नहीं है। डिपार्टमेंट के बाहर और ज़्यादा ही मोटी मोटी सी आ रही हूँ, और करने को कुछ नहीं है, सोचा ब्लॉग शूट कर लेते हैं। लाइक तो आप लोग करते नहीं हैं मेरे ब्लॉग्स को, फिर भी मैंने कहा मैं शूट कर लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़। कुछ लोग आ रहे हैं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।